बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइस आज मैं आप लोग के साथ जो मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ इसमें मैंने कोई भी फाउंडेशन का यूज नहीं किया है कोई भी बीबी क्रीम का यूज़ नहीं किया है मैंने यहाँ पर तो आप देख ही सकते हैं कितना फ्लॉलेस मेकअप लुक निकल के आया है तो गाइस जल्दी से आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है और इतना परफेक्टली और इतना बोल्ड लुक है कि आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं लेजर स्टार्ट तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं ये है वी का ग्लो फेस क्रीम है ये इसको ये आप गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें एस भी है तो आप डेफिनेटली इसको गर्मियों में यूज़ ज़रूर कीजिएगा और इसको लगाने के बाद अच्छे से ग्लो आ जाता है आपके फेस के जैसे कि आप देख रहे मेरी अभी वीडियोस में और अब उसके बाद मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आई थिंक हाँ स्विस ब्यूटी का न्यूली पैक्ड है अभी ये प्राइमर है ट्वेंटी फोर गोल्ड करके ये प्राइमर है आप देख ही सकते हैं कुछ आपको गोल्डन गोल्डन दिख रहा होगा गाइज और इसमें अंदर ना आपको जैसे आप प्राइमर लगाएंगे इसको ये प्राइमर लगाते से ही आपके फ़ेस पे एक अल अलग सा शाइन आ जाता है क्योंकि इसमें गोल्ड कैरेट वाला है ये ट्वेंटी फोर गोल्ड कैरेट है इसमें और गाइस काफ़ी अच्छा प्राइमर है आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं उसको क्लोज कर देता है बहुत स्मूथ बना देता है आपके फेस को जिससे कि आपके जो मेकअप है आप लगाते हो वो आपकी स्किन के अंदर तक ना पहुँच पाए उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का लिप बाम है ये और ये जो लिप बाम है इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ काफ़ी अच्छा लिप बाम है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिप बाम लगा ले रही हूँ मेकअप करने से पहले जिससे मेरे जो लिप्स हैं वो अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए लिपस्टिक लगाने तक ओके अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ अपनी आईब्रो फिल करने के लिए ये आईब्रो पैलेट और ये है हिलरी रूडा की आईब्रो पैलेट है और ये पाउडर इसमें पाउडर आपको मिलता है ये क्रीम क्रीम नहीं है इसमें जो क्रीम वाले आईब्रो फिल करने के लिए आते वो नहीं है इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर था वो उसे आईब्रो फिल कर सकते हैं वो जेल में था क्रीम बेस था ये पाउडर बेस्ड है गाइस और इसको यूज़ करने के बाद मैंने अभी न्यूली मंगाया है ये और काफ़ी अच्छा है फ्लिपकार्ट से मंगाया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है गाइज़ अफोर्डली भी मतलब आप अफोर्ड भी कर सकते हो इजीली इसको और इसको फिल आईब्रो फिल करने के बाद इससे आपकी आईब्रो बहुत ही नेचुरल लगती हैं ऐसा नहीं लगता बिल्कुल फेकनेस नहीं आती है इसको यूज़ करने के बाद तो यूज़ ज़रूर कीजिएगा उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ अब आई एस ड्रेम का ये कंसीलर है तो मैंने आपको बताया था ना ना मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी ना मैं यहाँ पर बीबी -बी क्रीम यूज़ कर रही हूँ आज मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कंसीलर हम सिर्फ़ उतनी ही जगह पर लगाएंगे जहाँ जहाँ आपको सिर्फ़ कंसीलर लगाना चाहिए हाईलाइट करने के लिए जैसे आपकी आ, ये आईब्रो के ऊपर हो गया है आपका आँखों के ऊपर मतलब जो आईलिड है वहाँ पर हो गया डार्क सर्कल होती है वहाँ पर हो गया आपके लिप्स के पास जो एरिया होता है और आपकी जौ लाइन जो रहती है उसके ऊपर का थोड़ा सा एरिया जो रहता है वहाँ पर इन जगह पर हमें ये कंसीलर लगाना है पूरे फेस पे हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम इसको आ, ब्लेंड करेंगे तब वो पूरे फेस पे अच्छे से अपने आप ही ब्लेंड हो जाएगा पूरे फेस पे इजीली भी लग जाएगा ठीक है अब मैं आपके नो नोज़ ब्रिज पे भी लगाऊंगी थोड़ा सा और थोड़ा सा फोर हेड पर लगाऊँगी तो जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वो पॉइंट होते हैं आपके कंसीलर लगाने के तो बस इस तरीके से मैंने लगा लिया अब मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ और गाइज ये भी ब्यूटी ब्लैंडर न्यूली ब्यूटी ब्लेंडर है ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था ये मैंने दो कॉम्बो में मंगाया था इसके साथ एक ब्रश भी है जो मैं आगे दिखाऊंगी आपको कौन सा ब्रश है और इन दोनों के जल्दी से मैं रिव्यू भी करूँगी कि ये कैसे हैं। वैसे मैं यहाँ बता देती हूँ आपको ये बहुत ही बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है बहुत सॉफ़्ट ब्यूटी ब्लेंडर है गाइज़ आप यूज मैं लिंक आपको सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है और आप देख सकते हो कि जैसे जस, जैसे ये ब्लेंड होता जा रहा है ये आ, जो भी मैंने कंसीलर लगाया था उसके बाद आप देख सकते हो बेस कितना अच्छा निकल के आया है बिल्कुल तो बस कंसीलर लगा लिया ब्लेंड कर लिया है अब उसके बाद हम यहाँ करने वाले हैं कॉन्टोर तो कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी की पैलेट ली है उसमें से मैंने कॉन्टो यूज़ किया है और मैं यहाँ ब्राउनज़र कर रही हूँ गाइस यहाँ पाउडर ब्राउन्जर कर रही हूँ मैं बहुत ही हल्का सा लाइट लुक देने के लिए कर रही हूँ मैं यहाँ पर और अपनी नोज़ पे नोज़ कॉन्ट्रोल कर लेंगे अपना चीक्स पे कर लेंगे जो लाइन कर लेंगे वहाँ मैंने कॉन्ट्रोल कर लिया अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये पाउडर सेटिंग कर रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे न्यूली पैक अपना ये पाउडर कॉम्पैक्ट लिया है आई थिंक ये भी स्विस ब्यूटी का है नाम नहीं याद आ रहा मुझे लिंक आपको मेंशन कर दूंगी मैं सबके नीचे ओके okay? और ये भी काफ़ी नेचुरल सा है काफ़ी अच्छा है बहुत अच्छा सेटिंग मतलब कॉम्पैक्ट है ये तो आप देख लीजिएगा मैं लिंक दे दूँगी अब मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी हुड, हिलैरिट हु का आई पैलेट यूज़ कर रही हूँ इसमें से मैंने ये डार्क चॉकलेटी कलर उठाया है और उसको मैं अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पर ब्लैंड करने वाली हूँ बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग में टाइम दीजिएगा आई शेडों में आप जब भी टाइम दें बहुत अच्छा टाइम दीजिएगा उसके बाद में ये ऑरेंज ही कलर आप देख रहे हैं दोनों जो मैं दिखा रही हूँ हम ये कलर लेंगे एक डार्क एक लाइट ये दोनों कलर मिक्स मैच करके हम यहाँ पर लगाने वाले हैं वो भी क्रीज लाइन पे ठीक है हम क्रीज लाइन पे लगाएंगे अभी क्रीज लाइन को हम बिल्डअप करेंगे बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा दोनों ही आई को ठीक है अब उसके बाद में यहाँ यूज़ करने वाली हूँ ये येलो कलर है ना येलो कलर हमने इसलिए लिया है कि जिस तरीके से मेरा आप सूट देख रहे हैं कुर्ता देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा अगर हम येलो टच ही देंगे तो बेकार लगेगा थोड़ा सा हमें ऑरेंज टच देने के लिए यहाँ पर येलो का यूज़ करना पड़ा है ठीक है अब मैं यहाँ पर स्वीट ब्यूटी की पैलेट में से शाइनी पैलेट है ये थोड़ा सा शाइनी कलर भी है इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर उठाऊंगी मैं यहाँ पे और अपनी आईलिड पर लगाऊंगी फिंगर की हेल्प से ठीक है फिंगर की हेल्प से अगर आप लगाते हो तो बहुत ईजिली अच्छे से लग जाता है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अलग अलग सा नहीं दिखता ईजिली ब्लैंड बहुत अच्छे से हो जाता है फिंगर से अब मैं यहाँ पर ये आ, पैलेट यूज़ कर रही हूँ ग्लीटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर तो अब ये वाइट कलर देख रहे हो ना ग्लीटर वाला मैं इसको लगाऊंगी ये भी फिंगर की हेल्प से बहुत ही लाइट लगाऊंगी हल्के हल्के से पार्टिकल्स लूँगी बस बहुत थोड़ा थोड़ा सा जिससे कि जो मेरे कुर्ते में एक शाइनेस शाइनी सा आ रहा है वो बस एक लुक मुझे मिल जाना चाहिए मेरे कुर्ते जैसा ठीक है अब मैं यहाँ पर ये लाइनर यूज़ कर रही हूँ लाइनर है ये भी न्यू लाइनर है गाइज मैंने काफ़ी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट अभी न्यू मंगाए हैं जिसका रिव्यू मुझे करना अभी ज़रूरी है और करना भी है काफ़ी टाइम हो गया मैंने बहुत चीज़ों के रिव्यू नहीं किए हैं और लाइनर भी काफ़ी अच्छा है इसका एब्डिकेट बहुत अच्छा है और इस लाइनर का नाम क्या है आई एम सॉरी मैं बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा बट हाँ मैं लिंक आपको सब के नीचे मिल जाएंगे आपको जितने प्रोडक्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सबके नीचे लिंक आपको मैं दे दूंगी ठीक है अब मैं यहाँ पे आप लाइनर देख रहे हो लाइनर लग चुका है विंग में बनाया है काफ़ी बोल्ड लाइनर लगाया है आज मैंने यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना ये कर्लर यूज़ कर रही हूँ आईलैश कर्ल करने के लिए तो बस मैंने कर्लर कर लिए हैं उसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी मस्कारा है मेरा आ, मस्कारा कौन सा है हाँ हिलहरी डूडा का ही मस्कारा है मेरा और बस इसको मैं अच्छे से विगल करते हुए लगाऊंगी जेल बेस मस्कारा है बहुत ही अच्छा वाला मस्कारा है जिससे आपको फॉल्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है अब मैं यहाँ पर काजल यूज़ कर रही हूँ काजल है लेक का काजल है मेरा और इसको मैं अपने अपर वाटर लाइन पर और लोअर वाटर लाइन पर दोनों पर लगाऊँगी अच्छे से आपको लगा लेना है बोल्ड चाहिए तो बोल्ड ले लीजिए और थोड़ा सा पतला पतला चाहिए तो आप ऐसा लगा सकते हैं उसके बाद में वही काजल को अच्छे से स्मज कर लूँगी पेंसिल ब्रश की हेल्प से बहुत छोटा वाला ब्रश है ये उससे मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए और ब्लेंडिंग में आप जितना अच्छे से टाइम देंगे ना क्योंकि इससे क्या होगा जब आपकी वॉटरी आइज़ हो जाएंगी तो बिल्कुल भी आपका काजल बहकर नीचे नहीं आएगा ठीक है अब मैं यहाँ पर जो मैंने ऑरेंज कलर ऊपर लिए थे वही ऑरेंज कलर लेकर थोड़ा सा काजल के नीचे भी लगा दूंगी जिससे बिल्कुल भी हमारा काजल नीचे नहीं आएगा ठीक है और अब मैंने यहाँ पर जितना भी गिर गया था मेरे फेस के ऊपर आई शेडो वगैरह उसको क्लीन कर लूँगी फॉल्सिस लगा लेती हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फॉल्स भी लगा लिए हैं और काफ़ी अच्छे फॉल्सेज हैं मतलब ठीक ठीक फॉल्सेज हैं मैंने ये भी न्यूली परचेज़ किए हैं उसके बाद में यहाँ लिपस्टिक ले रही हूँ लिपस्टिक मैं लगाने वाली नहीं हूँ उससे ब्लश लगा रही हूँ गाइज आज हम ये चॉकलेटी कलर से ये ब्लश लगाएंगे क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ब्लश नहीं है और हाँ मैंने अभी ब्रश की बात की थी जो ब्रश वही वो यही ब्रश है जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ लिया था फ्लिप कार्ड पे कॉम्बो पैक में लिया है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने मेरा ब्लश को ब्लेंड कर दिया है गाइस मुझे ये इतना अच्छा लगा और बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है आपके अफोर्डेबल में मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है बहुत अच्छे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं आप इसको ब्रश काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उसके बाद में हाईलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पर हाइलाइटर मेरा हिलेरी uh, टूडा की पैलेट में से ही है और इसको आप देख सकते हो ग्लो बहुत अच्छे से आता है जो आपके पाउडर वाले जो हाइलाइटर रहते हैं ना उनका ग्लो बहुत अच्छा आता है uh, जो आपके लिक्विड वाले रहते हैं ग्लो तो उनसे भी आता है लेकिन वो एक ही जगह स्टिक हो जाते हैं अगर आप उसको अच्छे से ब्लैंड नहीं कर पाते हो तो पाउडर वाले क्या रहते हैं बहुत ईजीली आपके अच्छे से uh, आपके फेस पे लग जाते हैं अब मैंने यहाँ पे अपनी सॉरी uh, आईज़ पे भी मैंने आपने हाइलाइटर लगा लिया है पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ उसके बाद मैंने जो लिप बाम लगाया था उसको क्लीन कर लूँगी क्योंकि जितना भी मेरा डर्ट वगैरह लग गया था अभी ये सब वो क्लीन हो जाएगा फिर से लिप बाम लगा लूँगी और उसको अच्छे से टिश्यू पेपर से फिर से हल्का हल्का निकाल दूंगी ठीक है मेरे लिप्स बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो गए हैं तब तक मैंने मेकअप किया अब मैं यहाँ पे जो मैंने ब्लश लगाया था वही ब्लश की लिपस्टिक वही लिपस्टिक मैं अब लगाने वाली हूँ और गाइज ये कलर चॉकलेटी सा कलर है मुझे काफ़ी पसंद है न्यू न्यूड सा एक कलर आता है जो आप कहीं भी का, किसी भी पार्टी वार्टी में कभी भी लगा सकते हो काफ़ी अच्छा कलर आता है उसके बाद में थोड़ा सा बिंदी का टचअप दे रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है एक छोटी सी बिंदी काफ़ी क्यूट लगेगी यहाँ पर तो बस एक बिंदी लगा दी मेरा मेकअप लुक कम्प्लीट हो चुका है और ये जो मेकअप लुक है इस मेकअप लुक को गाइज कहीं भी क्रिएट कर सकते हो आप कभी भी क्रिएट कर सकते हो आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लुक निकल के आ रहा है न्यूड सा एक मेकअप आपका ये मैंने किया है जो आप कभी भी कर सकते हो ये फाइनल वाला लुक आप देख सकते हो मेरा तो गाइज़ ये मेरा फ़ाइनल लुक आया है और ये जो कर्ली हेयर है ना मुझे काफ़ी पसंद आए क्योंकि मैं कर्ली हेयर्स नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास कलर नहीं था तो मैंने कुछ वीडियोस देखी उसके बाद मुझे कुछ बिना और जैसे मैंने ये कर्ल्स बनाए हैं और ये कर्ल्स मैंने कैसे बनाए हैं इसका वीडियो भी मैं जल्द ही लेकर आने वाली हूँ कि मैंने कर्ल्स कैसे बनाए हैं और बहुत ही खूबसूरत कर्ल्स आए हैं गाइस ट्रस्ट मी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और पूरा एक डेढ़ दिन मतलब ये रहते हैं आपके हेयर्स के ऊपर तो बहुत जल्द मैं इसकी भी वीडियो लेके आने वाली हूँ तो आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो ये मेकअप लुक पसंद आया हो गाइज़ और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आप लोग तो मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको मैं नीचे मेंशन कर दूंगी तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय